गुजरात की वडोदरा में विश्वामित्री नदी सड़कों पर इस कदर भर आई है कि कहां सड़कें हैं ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वडोदरा के जेतलपुर ब्रिज के पास भी कुछ इस तरह का मंजर देखने मिल रहा है। वडोदरा शहर के जेतलपुर ब्रिज के नीचे की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है, इंडिया बुल्स के नाम से जाना जाता है, और यहाँ से जाती ये पूरी सड़क विश्वामित्री से बहुत ही नजदीक का ये इलाका है। ये जो सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही हैं, वो दर्शनम पार्क है, वहां पर भी काफी पानी भर गया है। और ये पूरी सड़क आप देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में पानी भर गया है। वडोदरा शहर बाढ़ की स्थिति में है और शहर के कई इलाके बस ऐसे ही नजर आ रहे हैं। शहर का ये जेतलपुर ब्रिज के नीचे से जाता रास्ता, और अब उसका दूसरा छोर हम आपको दिखाते हैं। ब्रिज के नीचे से ये जाती सड़क, यहां से रेलवे स्टेशन गरनाला की ओर ये रास्ता जाता है। अलकापुरी से रेलवे स्टेशन गरनाला की ओर जब जाते हैं तब बीच में ये सड़क पड़ती है, और यहां पर भी काफी मात्रा में पानी है। जेतलपुर ब्रिज के ऊपर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेतलपुर नीचे का जो ब्रिज, जो गरनाला है, वो बंद है। अलकापुरी गरनाला है, अलकापुरी स्टेशन गरनाला है, वो भी बंद है। सूरज प्लाजा की ओर जाती ये सड़क, ये भी बहुत ज्यादा पानी पानी हो गई है, बहुत ज्यादा जल भराव यहाँ देखने मिल रहा है। ये तस्वीरें वडोदरा शहर जेतलपुर रोड के आसपास के इलाके की, यहाँ घरों में भी पानी भर गया है। जेतलपुर ब्रिज के नीचे जो बस्ती है, उस बस्ती में भी काफी पानी है, कई सारे व्हीकल पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। यही रहते हैं? हाँ, सैयदगंज में। कैसा है वहाँ स्थिति? पानी, क्या है तो पानी? पानी बहुत काफी है, बहुत ज्यादा है। हाँ जी। घरों में पानी, घरों में पानी आ गया? हाँ, घरों में पानी, मतलब जो होटल है ना वो पूरा लेवल है। अच्छा अच्छा, बताइए क्या कह रहे थे? घर के सामने डूब जाओ, इतना पानी है, इतना पानी है। कौन सी सोसाइटी, कौन सा इलाका? घर के सामने। और कितने बजे से ये पानी भरना शुरू हुआ? सुबह ज्यादा हुआ है, 6:30 बजे से ज्यादा हुआ। हाँ, बाकी रात तक तो लेवल ठीक था। जी जी। सुबह के टाइम 5-6 बजे के बाद, और अभी बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। हाँ, जी, जी। बढ़ी रहा है, थोड़ा 34 पर विश्वामित्री है। हाँ, पर यहाँ जो रिटर्न पानी जो आ रहा है ना, वो थोड़ा थोड़ा अभी ऊपर हो रहा है। सुबह से ही मैंने देखा, 1-2 घंटे के अंदर 1 फुट से ज्यादा ऊपर पानी चले गया है, ऐसा है। जेतलपुर ब्रिज से सटे लाभ कॉम्प्लेक्स, मैत्री अस्पताल वहां पर है, हिमालय हॉस्पिटल है, और यहां से जाती ये पूरी सड़क, अगर आप देखें ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। जहां नजर जाती है पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई इलाके आज वडोदरा शहर के ऐसे दिख रहे हैं जो तालाब में तब्दील हो गए हो, और तालाब नदी की तरह बहता हुआ, बहुत फोर्स में बहता हुआ पानी हर जगह नजर आता है। यहाँ खैर ठहरा हुआ है, मगर अभी जब हम रावपुरा रोड की तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी, बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। यहाँ के सभी कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में पानी भर गया है, घुटनों से भी ऊपर पानी है। यहाँ पर जैसे ये लोग देखिए चलते हुए आ रहे हैं। ये स्थिति है वडोदरा शहर के जेतलपुर इलाके की। जेतलपुर ब्रिज, ब्रिज से सटे ये सारे कॉम्प्लेक्स में पानी भर गया है। इतनी ज्यादा इस इलाके की खस्ता हालत देखिए,
और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये पूरा इलाका जो है वो अस्पतालों से भरा इलाका है, ज्यादातर हॉस्पिटल इस रोड पर ही है, तो यहाँ से किसी पेशेंट को लाना है, ले जाना है, तो बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ लोगों को करना पड़ रहा है।